सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर जान की कुर्बानी देने वाले गांव भागल के किसान स्वर्गवासी मेवा सिंह के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर हर शहीद किसान के परिवार को विधायक दल की ओर से निजी साधनों से दी जाने वाली 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी परिवारजनों को सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यूक्रेन सीमा से सटे कुछ देश हमारे छात्रों को एंट्री देने से झिझक रहे हैं, जबकि पोलैंड समेत इन देशों में भारत के आर्थिक रिश्ते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार ये घोषित करे कि इन सभी देशों से हमारे भविष्य के रिश्ते आज की उनकी संवेदनशीलता पर निर्भर होंगे। दिल्ली में सरकार इन सभी देशों के राजदूतों को बुलाकर यह बात स्पष्ट करे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज देश में एक भ्रमित सरकार है, जिसे यह नहीं पता कि वो रूस के साथ है या यूक्रेन के और उसे क्या कदम उठाने हैं। इतना ही नहीं, इस सरकार को यह भी नहीं पता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अगर सरकार समय रहते ठोस कदम उठाती तो भारतीय नागरिकों को ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आगामी 13 मार्च को कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक दल द्वारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए और विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए लोगों की आवाज बनकर सड़क से लेकर संसद तक और गांव से लेकर विधानसभा तक हम लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में ऐसी सरकार आ गई है जो सपने दिखाती है लेकिन सपनों को साकार नहीं करती। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जो इस सरकार की विफलता का जीता जागता प्रतीक है। हरियाणा के आमजन की सारी उम्मीदें अब विपक्ष से ही बची है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार केवल घपले घोटाले फर्जीवाड़े में लगी है। आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोगों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हल्ला बोल हरियाणा।